उज्जैन एसपी उज्जैन को अपराध मुक्त बनाने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पारधी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जिले में लगभग 2 दर्जन नकाबजनी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। साथ ही उन्होंने लाखों के जेवरात, नकदी और चोरी की 2 लाइसेंसी बंदूकें भी जब्त की गयी है। उज्जैन एसपी के रूप में आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने गंभीर अपराधों के आरोपियों एवं अनेकों गिरोहों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। शुक्रवार को भी उज्जैन पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय पारधी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए लुटेरों से लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात, 4,700 रुपए के नकदी और 2 लाइसेंसी बंदूकें जब्त की है। आरोपियों ने उज्जैन जिले में 23 चोरियों की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है। आरोपियों को गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी दीपिका शिंदे सहित पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन से अरविंद देवदरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट। एक पारधी गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे उज्जैन जिला की लगभग 23 वारदातें उनका खुलासा पुलिस ने किया है। उसमें जो मशरूका गया था उसको पुलिस ने जब्त किया है, ज्वेलरी जब्त करी है। ये आरोपी इसमें एक जिला उज्जैन का है, बड़नगर का, और अन्य आरोपी जिला गुना का, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में 23 वारदातें खुली हैं और भी अन्य जिलों की भी वारदातें इन्होंने की हैं, जिसमें पूछताछ करने में उसका खुलासा किया जाए। कितना माल बरामद किया है? 23 प्रकरणों में जो ज्वेलरी गई थी, आभूषण गए थे, तो लगभग 3 लाख के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही इनके द्वारा एक प्रकरण में 2 लाइसेंसी बंदूकें भी चोरी की थी, तो वो भी पुलिस ने बरामद की। प्रदेश के लगभग 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कई दिनों से समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में 15 जुलाई को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी समस्याओं और मांगों की जानकारी दी और जल्द समस्या का हल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिछले 24 जून से समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स संगठन के कर्मचारी प्रदेश सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। उज्जैन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिजली कंपनी के ठेकेदारों की मनमानी और सरकार की अनदेखी का विरोध किया। 15 जुलाई को शहीद पार्क से उत्तम नगर तक एक विशाल रैली आयोजित कर सरकार से अपने अधिकारों की मांग करेंगे, जिसमें प्रदेश के हजारों बिजली आउटसोर्स कर्मचारी सम्मिलित होंगे। यदि मुख्यमंत्री जल्दी उनकी मांगों का निराकरण नहीं करते हैं तो बिजली कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। उज्जैन से अरविंद देवदरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट। आधा वेतन केंद्र के आउटसोर्स कर्मचारियों की तुलना में नसीब हो पा रहा है। आज स्थिति यह है कि इसी उज्जैन नगर में, इंदौर नगर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको जो है 18,360 रुपये मिल रहा है, और उसकी तुलना में हमारी जो बिजली कंपनियों के जो आउटसोर्स कर्मचारी उनको मात्र 9,000 रुपये दिया जा रहा है। हमारा सीधा कहना है कि जब अन्य राज्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सेंट्रल के बराबर वेतन दे रहे हैं तो मध्यप्रदेश में सेंट्रल के आउटसोर्स के बराबर वेतन देने में क्या दिक्कत है? आप 12 जिन से मिले? उनसे मिले थे, यदि भी उन्होंने वेदना प्रकट की कि जो मैं स्वीकार करता हूं कि जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन मिलता है वो 6 से 8 हज़ार बहुत कम है, और उसमें मैं भी जानता हूं कि घर का खर्चा कराना बहुत कठिन होता है, तो हमने उनको एक विकल्प सुझाया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतनमान सारे मध्यप्रदेश सरकार के सारे